ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हमारे प्रिय कंवर साहब गोपाल बाबू और हमारी लाडली बहन मीरा के 50वीं शादी की वार्षिक वर्षगांठ पर हमारे केतान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धि से भरा रहे। मीरा का बहुत ज़्यादा लगाव हमारे इस परिवार पे रहा है, हमारे सब भाइयों का भी उसके ऊपर बहुत अधिक स्नेह रहा है और आज भी दोनों परिवार एक परिवार की तरह हम रहते हैं। गोपाल बाबू और मीरा एक आदर्श पेयर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और हमारे हर काम में हमारे साथ रहते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर रहे, उनका और उनका पूरा परिवार फलता फूलता रहे और हमारे दोनों परिवार का आपस का स्नेह निरंतर बढ़ता रहे। जीवन में हो फूल खुशी के, समृद्धि के दीप जले, प्रेम डोर से बांध सभी को, जीवन पथ पर बढ़े चले, यही हमारे सबकी ओर से शुभकामनाएं है। धन्यवाद। जय हिंद। बुआ फूफा जी, आपको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी 50वीं सालगिरह है बहुत बहुत खास, क्योंकि आप रहते हो एक दूजे के दिल के पास। विशिंग ए वेरी वेरी हैप्पी 50th एनिवर्सरी। बुआ एंड फूफा जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी 50th एनिवर्सरी। होप द कमिंग इयर्स आर एज मच जॉयफुल फॉर यू एज द प्रीवियस 50 इयर्स हैव बीन। हैप्पी 50th एनिवर्सरी दादी एंड दादा। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी बुआ जी एंड फूफा जी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशियां। मुझे ज़िंदगी भर आप लोगों से बहुत बहुत प्यार मिला है, बहुत बहुत सपोर्ट मिला है। मुझे अभी भी याद है, एक हाथ मेमोरीज नहीं, पूरी ज़िंदगी भर मेमोरीज ही मेमोरीज है आप लोगों के साथ। जब भी आप अकुल आते हैं तो एकदम मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगता था, अरे बुआ जी फुआ जी आ रहे हैं, बहुत खुशी लगती थी। जब भी कुछ खुशी का ओकेजन होता था घर पे तो आप लोग हमेशा आ जाते हैं और उससे पूरी फैमिली कंप्लीट लगती है और बहुत अच्छा लगता है। और जब दुख का समय आता है तब भी आप लोग मौजूद होते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत, और उससे बहुत स्ट्रेंथ बढ़ता है फैमिली में। सब पूरी फैमिली को साथ में रखते हैं आप, और जब भी कुछ किसी को पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा होता है तब भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें, भगवान आपको बहुत बहुत लंबी लाइफ दें और हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें। बुआ जी और फूफा जी, आप दोनों को सादर प्रणाम। शादी की सुनहरी सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारक। विश यू वेरी वेरी हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। प्रणाम। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी। और सबसे पहले तो हैप्पी 50th एनिवर्सरी बुआ और फूफा जी को। और अब कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, जब बुआ को मैंने माँ ही बोल दिया है, तो मम्मी के बाद अगर मेरे लिए कोई माँ जैसा है तो वो बुआ है। और फूफा जी तो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। बुआ ने लाइफ टाइम, यानी हम अपने पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो बुआ ने अपने भाई की फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, चारों के लिए, और फूफा जी ने उनको फुल ऑन सपोर्ट किया है हमेशा। बुआ ने एकदम सेल्फलेसली हम लोग के लिए इतना प्यार दिया है हमको, और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कुछ हम उनको भी चाहिए वापस। और फूफा जी तो हमेशा पेशेंटली आते हैं,
ऐसा नहीं कि वो दामाद है तो कभी कुछ डिमांड करेंगे, आज तक मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कोई डिमांड की या कोई कंप्लेंट्स की, मेरे को इतना ध्यान नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं। बुआ को बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार दिया तो इतना करती है किसी के लिए भी। इनफैक्ट उनको डांटते या उनको बुरा बोल देते चेहरे पे, उनके लिए भी वो एकदम निस्वार्थ करती है। इनफैक्ट बुआ ने शायद ही अपने लाइफ में एक भी दिन अपने आप के लिए बिताया है। तो मैं चाहती हूँ वो दोनों बहुत खुश रहे, दुनिया घूमे, हेल्दी रहे, फिट रहे, एक दूसरे के साथ रहे। और अगर एज अ कपल बात करें उनके रिश्ते की, तो मैं तो बहुत छोटी हूँ उसके लिए बोलने के लिए, बट एक बात ज़रूर बोलूँगी कि मैंने जितने कपल्स देखे उसमें एक वक्त के बाद आदमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, इसके लिए बंधा रहता है, या बच्चों की वजह से या सोशली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहता है। पर इन दोनों को मैंने देखा इनका हमेशा ये प्यार की वजह से एक दूसरे के साथ है। एंड अभी भी फुफा जी इज़ वेरी रोमांटिक एंड वेरी लाइवली एंड वेरी नाइस कपल। बस बुआ थोड़ी सी धार्मिक टाइप है या थोड़ी होमली है, फुफा जी एकदम फन लविंग है। And still they make a very very good couple and everybody should inspire from them. And I hope कि मैं उनकी 100th anniversary पे एक और वीडियो बना रही हूँ, कम से कम 75th anniversary पे उनकी शादी की। और may God bless them. है वर्षगांठ 50वीं आज उनकी, जो है भुसावल निवासी, जो रिश्ते में है हमारे आदरणीय भुआजी फुफाजी। यूँ तो ये युगल केवल 50 वर्षों से साथ रहता लगता है, पर मीरा के है गिरधर गोपाल ये सदियों से जग कहता है। इतराते हैं हम कि पोता पोती आपके हैं, हे भाग्यशाली हम कि सिर पर आशीष देते आपके हाथ है। प्रभु चरणों में रहती है अरज हमारी बस यही, सदा मुस्कुराते रहे हमारे प्रिय दादाजी दादी जी। शादी की 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव और पार्वती की तरफ बुआ फूफा जी को शादी की 50वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। जय श्री कृष्ण बुआ जी फूफा जी, समर्पण का दूसरा भाव है आपका रिश्ता, विश्वास की अनूठी गाथा है आपका रिश्ता, विवाह वर्षगांठ के इस उत्सवी अवसर पर बस इतना कहेंगे, जीवन की बगिया हरी रहे, जीवन में खुशियाँ भरी रहे, यह जोड़ी यूं ही बनी रहे, 100 वर्षों तक यूं ही सजी रहे। हैप्पी एनिवर्सरी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हैप्पी एनिवर्सरी बुआ जी फूफा जी, हैप्पी एनिवर्सरी नाना जी नानी जी। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका प्यार यूं ही बना रहे। दीदी दिया जी, नारायण नारायण, आपको नारायण की कृपा से 50वीं वर्षगांठ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण आप दोनों को स्वस्थ और प्रसन्न रखे और आप आगे 75वीं वर्षगांठ मना सके, ऐसी हमारी प्रभु से इच्छा है। नारायण की कृपा से आप दोनों स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। नारायण जीजाजी हमारे आंगन में तुलसी जैसे महत्व हैं, दीदी और जीजाजी से हमारे जीवन में बाहर हैं, उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हमारी दुआ है ये जोड़ी हमेशा चमकती रहे। दीदी और जीजाजी को शादी की सालगिरह 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रणाम। दीदी आप दोनों यूँ ही सदा मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और यही दुआ है नारायण से। और ज़्यादा क्या कहूँ दीदी और जिया जी, आपके लिए आप हमारे जीवन के आधार स्तंभ हो, आपके आप दोनों ही की वजह से हमारे सारे काम पूर्ण हुए हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं। एक बार पुनः हैप्पी एनिवर्सरी दीदी और जिया जी। बनकर एक दूसरे की ताकत, आपने हर गम को हराया है। बुआ और फूफा जी आपने अभी तक क्या खूब साथ निभाया है। हैप्पी 50th एनिवर्सरी बुआ एंड फूफा जी, प्रणाम। हैप्पी एनिवर्सरी दादी एंड दादू, आदर प्रणाम। ये है 50 साल पुरानी बात, जब दादाजी ने दिया आशीष फूफा जी और बुआ जी को एक साथ, थाम के एक दूसरे का हाथ, चले जीवन की राह में एक साथ। सादी सिंपल और सरल स्वभाव की है हमारी बुआ जी, ज्योति जगा दी पूरे घर की, गोपाल की मीरा बन के यूं ही बिता दी पूरी जिंदगी। थोड़े चुलबुले थोड़े मन चले, पर फूफा जी है बुआ जी के दिल में बसे। अब करें इनके घर की बात, तो भाइयों के दिल पे करती हैं वो राज, और भाई और भाभियों को बनाया रानी और पहनाया घर का ताज। दोनों बेटों को करे पूरे सपने,
तो बहुओं को प्रेम से किए अपने। परिवार में आए थे वो बनके सबसे छोटे, लेकिन दिल से बन गए वो सबसे बड़े। अब बात करें हमारी, तो हमारे जीवन की रोशनी बनकर वो आए और हमें एक कर गए। अंत में यही कहेंगे कि आप दोनों में है बहुत नम्रता, यूं ही रहे करें हम प्रार्थना। दिल की गहराई को से प्यार दिया, प्रेम दुलार और लाड़ दिया, बड़े होने का हर फर्ज निभाया, हर कदम पर अपना बनाया। हैप्पी 50th एनिवर्सरी। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए बरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुबा कीजिए।